राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की छठी किस प्रकार मनाएं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, ऐसे में लोगों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि छठी किस दिन मनाएं, एक को मनाएं छठी या फिर 31 को मनाएं। तो दोस्तों, छठी छठवें दिन ही मनाई जाती है। वृंदावन में हमेशा छठी छठवें दिन ही मनाई जाती है, उसमें शनिवार रविवार इससे कोई मतलब नहीं है। छठी का मतलब छठवां दिन ही। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी पहुँच सके। तो चलिए, राधे कृष्ण के भाव के साथ आज हम उनकी छठी का वर्णन सुनते हैं। आज हम जानेंगे कि छठी किस दिन मनानी चाहिए। छठी छठे दिन ही मनाई जाती है। अब ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि छठे दिन शनिवार पड़ रहा है, अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ माना जाता है तो आप 1 तारीख को मना लें, या फिर जैसे अष्टमी 26 और 27 को मनाई गई, कुछ लोगों ने 26 को मनाई, कुछ लोगों ने 27 को मनाई, वैसे कर लें। लेकिन सही मायने में छठी छठे दिन ही मनानी चाहिए। तो ये तो हुआ छठी किस दिन मनानी चाहिए और किस दिन मनाएं। अब हम जानेंगे कि क्या नियम होते हैं छठी के, छठी वाले दिन क्या करना होता है। तो दोस्तों, छठी के दिन ही लड्डू गोपाल की मालिश की जाती है। छठी वाले दिन से लड्डू गोपाल की मालिश शुरू होते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की मालिश करते हैं वो छठी के दिन से उनकी मालिश करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप पहले उनकी मालिश करें, बढ़िया घी से उनकी मालिश करें, फिर कच्चे दूध में स्नान कराएं। दूध कम से कम 1 लीटर जरूर हो और लड्डू गोपाल की 3 डुबुक्की जरूर लगा देनी चाहिए। उसके बाद उस दूध को आप खीर में प्रयोग कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी उस दूध का बना सकते हैं। बस हाँ, उस दूध की बनी हुई खीर का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगेगा। और लड्डू गोपाल को सुबह ही स्नान करा दे, क्योंकि लाला छोटा होता है ना, तो उसे शाम को स्नान कराना सही नहीं होता है। छठी के दिन लड्डू गोपाल को नए पीले वस्त्र पहनना है और जरूरी भी होता है नए वस्त्र धारण करवाना, उनको नए पोशाक पहनाए, नई पगड़ी उनको लगाएं। छठी पर लाला को नजरिया जरूर पहनाना चाहिए, वो मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। छोटी छोटी सी नजरिया आती है हाथ पैर की, आप वो ले आना और छठी के दिन लड्डू गोपाल को नजरिया जरूर पहनाना। लाला को नजर लगने का डर रहता है ना। लाला को खूब बढ़िया अच्छे से चंदन लगाएं, इत्र लगाएं, सब कुछ अच्छे से श्रृंगार करवर के लाला को बैठा दें। अब ये सारी चीज करने के बाद अब लाला को लगाना है काजल। तो काजल घर पर ही लाला के लिए बनाना है, मार्केट से नहीं लाना है, क्योंकि लाला छोटा होता है तो छोटे बच्चे को मार्केट से बना हुआ काजल नहीं लगाया जाता है। तो लड्डू गोपाल को काजल आप कैसे लगाएंगे? काजल आप जब लड्डू गोपाल के सामने आप एक घी का दिया जलाएंगे तो दूसरा दीपक एक सरसों के तेल का जरूर जला लेना, उसी में चम्मच लगाएंगे आप तो काजल बन जाएगा। और उसी काजल को लड्डू गोपाल को लगाएं और कान के पीछे भी लगाएं ताकि लड्डू गोपाल को नजर ना लगे किसी की। तो दोस्तों, काजल लगाना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या उपाय हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस दिन लड्डू गोपाल को कुछ भेंट में उपहार जरूर दिया जाता है। कुछ पैसे हैं तो आप उनके ऊपर से उतार कर और उनके नाम से अलग रख दें। फिर जो कुछ भी है, कोई बहुत लोग लड्डू गोपाल को छठी के दिन उनके वस्त्र भेंट करते हैं, पगड़ी भेंट करते हैं, बांसुरी भेंट करते हैं, जो आपको सही लगे आप उन्हें भेंट जरूर दें। छठी को क्या दिया जाता है, छठी का क्या मतलब है? छठी का मतलब होता है छठवें दिन छठी का भरना लड्डू गोपाल की, और छठी वाले दिन 6 चीज़ों का भोग जरूर लगाया जाता है। छठी का दूध क्यों इतना गुणकारी माना गया है? जो लड्डू गोपाल का स्नान हुआ छठी का दूध है, उसे ग्रहण कर लेने से व्यक्ति बीमार नहीं होता है और व्यक्ति की शारीरिक कष्ट जितने होते सब दूर होते हैं, उसकी मानसिकता भी सही हो जाती है। मुख्य बात यह है कि छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग कान्हा को अवश्य लगता है। जो आप 6 चीज़ों का भोग लगाएंगे उसमें कढ़ी चावल जरूर होना चाहिए, जैसे हुआ कढ़ी चावल, माखन मिश्री और सठैरा। सठैरा का भोग भी
लड्डू गोपाल को छठी के दिन अवश्य लगता है। भोग लगाने के बाद अब आप लाला की नजर उतारेंगे। नजर कैसे आप उतारेंगे, तो हाथ में नमक लेंगे और थोड़ा सा राई के दाने लेंगे और लड्डू गोपाल के ऊपर से जिस प्रकार एक छोटे बच्चे की नजर उतारी जाती है, लड्डू गोपाल के सिर के ऊपर से 3 बार हाथ को घुमा के और उस चीज को बाहर फेंकाना है कि ताकि आपके लड्डू गोपाल को किसी की दृष्टि न लगे, किसी की क्या, खुद की ही लड्डू गोपाल को अपनी ही नजर न लगे। कहते हैं कि सबसे ज्यादा नजर अपने बच्चे को अब उसकी माँ की ही लगती है, तो लड्डू गोपाल की इस प्रकार नजर उतार कर उसे बाहर फेंकाना है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये जानकारी लड्डू गोपाल की अच्छी लगी है छठी वाले दिन की, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री बांके बिहारी लाल की।